आप देख रहे हैं एंड लेटेस्ट ऑल एंटरटेनमेंट महामुकाबला। आज टीम इंडिया में चार धुरंधरों की वापसी, टूट सकते हैं पांच रिकॉर्ड। देखें संभावित एक्साइड। भारत और हांगकांग के बीच खेले गए बीती रात रोमांचक मुकाबले में रोहित के रणवीरों ने हांगकांग को 26 रनों से मात कर दी तथा टूर्नामेंट में अपना विजय आगाज किया। अब आज टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का सबसे बहुचर्चित मुकाबला खेलेगी। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी। एशिया कप में भारत ने 6 बार पाकिस्तान को हराया तो वहीं 5 बार पाकिस्तान जीत हासिल करने में सफल रही है। बता दें कि दोनों टीमों के बीच आखिरी मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में खेला गया था, जिसमें भारत को पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के खिलाफ हो सकते हैं 4 बदलाव। हांगकांग के खिलाफ मैच में कई प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया था, जिसमें हांगकांग ने भारतीय गेंदबाजों की बुरी तरह से फजीहत की थी। वो तो टीम इंडिया की किस्मत अच्छी थी जो 26 रन से मैच जीत लिया। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैच में जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, लोकेश राहुल तथा मनीष पांडे की वापसी होगी, जबकि भुवनेश्वर, शार्दुल, केदार और दिनेश कार्तिक को बाहर बैठना पड़ सकता है। बन सकते हैं ये 5 रिकॉर्ड एक। युजवेंद्र चहल पाकिस्तान के खिलाफ अपने 50 एक दिवसीय विकेट पूरे करेंगे तथा सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन जाएंगे। धोनी एशिया कप में 13 मैच खेल चुके हैं तथा 12 पारियों में 95.16 के औसत से 571 रन बना चुके हैं और सूची में 12वें पायदान पर है, जबकि भारतीय कप्तान विराट कोहली 11 मैचों की 10 पारियों में 61.30 के औसत से 613 रन बना चुके हैं। 3 हांगकांग के खिलाफ शतक लगाने वाले सलामी बल्लेबाज शिखर धवन यदि पाकिस्तान के खिलाफ एक शतक और जमा लेते हैं तो युवराज सिंह 14 को पीछे कर सकते हैं। बता दें कि धवन के नाम भी 14 शतक है 4। धवन यदि आज 100 बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो 2018 में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में जोस बटलर और रहमत शाह को पीछे कर देंगे। संभावित भारतीय टीम रोहित शर्मा कप्तान, शिखर धवन, केएल राहुल, अंबाती रायडू, धोनी, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, खलील अहमद, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह।